हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सेंसेशनल फैमिली 03। जी हाँ, हम आ चुके हैं फिल्म फेयर में और यहाँ पर हम भी नॉमिनेटेड हैं एज अ पेरेंट्स पेरेंट कैटेगरी में। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का बहुत अच्छा सा व्यू दिखा दूंगी, उससे पहले मैं चलती हूँ लेकर आपको वर्साचे होटल में, बिकॉज ये इवेंट होने वाला है वर्साचे होटल में। मानशु, लक्ष्य, रियाना के साथ मैं जा रही हूँ वर्साचे होटल और यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होने से पहले क्या क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो पे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले वर्साचे होटल पहुंचकर हम अपनी कार को लगा देते हैं वैले पार्किंग में और उसके बाद हम अंदर जाते हैं। ये इवेंट होने वाला है अंडरग्राउंड, सो उसके लिए हमें सबसे पहले इस हॉल में जाना होगा। यहाँ पर हमने लिए अपने बैंड्स और पासेस। बैंड्स और पासेस लेने के बाद हम पहुँच गए नीचे जहाँ पर फोटोशूट हो रहा था एंड इंटरव्यूज हो रहे थे सारे इन्फ्लुएंसर्स के। एज यू नो कि लक्ष्य भी हमारा छोटा सा सुपर स्टार है, सो हो जाता है लक्ष्य का भी फोटोशूट और ये लोग ले रहे हैं लक्ष्य के वॉक एंड फोटो पिक्चर्स। सो यहाँ पर लक्ष्य दे रहा है अपना फोटो पिक्चर्स एंड इसके बाद अंदर जाते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसपे आप खड़े होकर पिक्चर्स ले सकते हो, काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आएंगे। इसके बाद यहाँ मुझे मिलती है कैन डॉल जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहा था। इससे मिलने के बाद मैं आगे जाती हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से मिली और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया फिल्म फेयर है तो उसका हैशटैग बोर्ड भी लगा हुआ था, उसके आगे भी फोटोज़ वगैरह ले लिए। यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू भी दे दिए। इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स से मेरी मुलाकात हुई जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी, कुछ लोग मुझे नहीं जानते थे, तो हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक कराए साथ में। और इसके बाद टाइम हो चुका था इवेंट स्टार्ट होने का, सो हम चलते हैं हॉल की तरफ। सो ये है इवेंट हॉल, यहाँ पर काफ़ी सारे चेयर्स थी, हर चेयर्स पर आपका नाम लिखा हुआ था, आपको आपकी सीट पर बैठना था। तो मुझे यहाँ मिल गई थी सीट सेकेंड नंबर रो पे एंड यस, हेयर इज़ लक्ष्य, हिमांशु एंड रियाना ऑल्सो इज हेयर, हेयर इज़ फिरोज़ा माई फ्रेंड जिसके साथ मैं बैठी हुई थी। तो ये लीजिए, जिस चीज़ का सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी भी आ गई। जी हाँ, अवार्ड देने की स्टार्टिंग हो चुकी थी और सबसे पहला अवार्ड मिला हेल्थ एंड फिटनेस को, सेकेंड अवार्ड था पेरेंटिंग का जिसमें मैं नॉमिनेटेड थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं फर्स्ट आई हूँ कि नहीं आई हूँ, बट लेट्स सी क्या हुआ। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से, जिन्होंने भी वोट किया उन सब की वजह से ये अवार्ड मुझे मिल गया है। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, सो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे लाइक देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।